जय हिंद दोस्तों। पिछले सप्ताह मैंने YouTube के कम्युनिटी टैब पर एक ओपिनियन पोल रखा था, जिसमें मैंने आपसे राय मांगी थी कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। दोस्तों, मेरे लिए पोल के आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले रहे, क्योंकि आप में से 71% लोगों का चुनाव एक ही था, वेदों में छिपा ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, अगर मैं आपको सच कहूं तो यह एक ऐसा विषय है जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सबसे ज़्यादा अध्ययन करना पड़ता है। इन वीडियोस के व्यूज़ अपेक्षाकृत कम होने की वजह से मैंने इस सीरीज़ को बीच में ही स्थगित कर दिया था, लेकिन अब आपकी राय जानने के बाद मैं एक बार फिर से इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने वाला हूँ। और आज हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, जो सनातन धर्म में आपकी आस्था को, आपकी श्रद्धा को और भी दृढ़ करेगा। तो चलिए आते हैं आज के विषय पर। दोस्तों, आपने अपने स्कूली दिनों में साइंस की क्लास में एक नियम जरूर पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिस पर आज सैकड़ों खोजें, सैकड़ों आविष्कार टिके हुए हैं। इस नियम के अनुसार किसी निकाय की कुल ऊर्जा समय के साथ नियत रहती है, अर्थात ऊर्जा का ना तो निर्माण संभव है और ना ही विनाश, इसका केवल रूप बदलता रहता है। दोस्तों, अगर हम इस नियम में ऊर्जा की जगह आत्मा कर दें तो यह नियम भगवान कृष्ण के श्रीमद् भगवद गीता में बोले गए उन दो श्लोकों के समान हो जाता है, जो यह कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरोपराणि तथा शरीराणी विहाय जीर्णान्यन्यहानी संयाति नवानी देही। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त करती है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। वहीं इस बात को और स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका ना चैनम क्लेद्यन्ते आपो ना शोषति मारुता। यानी आत्मा अजर और अमर है, जिसे ना तो कोई शस्त्र मार सकता है, ना ही आग जला सकती है, ना ही जल गला सकता है और ना ही वायु सुखा सकती है। अर्थात आत्मा अमर है, इसका विनाश संभव नहीं है। दोस्तों, इन दोनों श्लोकों में और ऊर्जा संरक्षण के नियम में समानता तो देखने को मिलती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आत्मा को ऊर्जा कहना सही है? क्या आत्मा एक प्रकार की ऊर्जा है? दोस्तों, जैसा कि दुनिया जानती है कि हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और आत्मा को इस क्रिया के बीच की इकाई मानता है, लेकिन क्या वाकई में आत्मा होती भी है? यह हमेशा से विज्ञान जगत में एक बड़ा प्रश्न रहा है। किसी ने आत्मा को शीशे में बंद करना चाहा, तो किसी ने उसका वजन नापने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी कुछ भी हाथ नहीं लगा। दोस्तों, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के जन्म के साथ ही कुछ ऐसा दुनिया के सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हिंदू धर्म के सामने नतमस्तक कर दिया। दोस्तों, ऐसा मैं किसी आवेश में आकर नहीं कह रहा हूँ, ये सब सच कर दिखाया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के गणित एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर सर रॉगर पेनरोज एवं यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजाना के भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरऑफ ने। इन दोनों ने अपने 20 साल तक किए गए शोधों के बाद कुल 6 रिसर्च पेपर प्रकाशित किए, जिसमें इन्होंने आत्मा के अस्तित्व की पुष्टि ही नहीं की, बल्कि यह भी बताया कि आत्मा मस्तिष्क की कोशिकाओं के अंदर होती है, जिन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। वो कहते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स में मौजूद क्वांटम एनर्जी की वजह से ही मानव में जीवन का एहसास रहता है, और यही क्वांटम एनर्जी चेतना या आत्मा है। इन वैज्ञानिकों के अनुसार जब व्यक्ति मृत होने लगता है, तब यह एनर्जी धीरे धीरे माइक्रोट्यूब्यूल्स से निकलकर ब्रह्मांड में चली जाती है, जो ब्रह्मांड में जाने के बाद भी नष्ट नहीं होती। तो दोस्तों, विज्ञान का यह मानना कि आत्मा एक प्रकार की ऊर्जा का पुंज है, एक बार फिर से भारतीय वैदिक ज्ञान की श्रेष्ठता साबित करता है। यह उन तमाम पढ़े लिखे लोगों को करारा जवाब भी देता है जो हमारे प्राचीन ज्ञान को पौंगापंती कहकर साइड में हट जाते हैं। दोस्तों, अगर आप सच में इस वैदिक ज्ञान पर गर्व करते हैं,
तो इस वीडियो को अपने पढ़े लिखे अज्ञानी दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।